फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज के बारे में, और वो भी फ्रेंड्स एक ट्रिक के माध्यम से मैं इसमें बताऊंगा। और सारे ही क्विज जो है इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, कोई भी इसमें फालतू क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन की सबकी आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको रटने ना पड़े और एक ही बार वीडियो देखने पर ही आपको याद हो जाएँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इससे होगा ये कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात है, यानी लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, लेडी विद द लैम्प यानी लैम्प के साथ लेडी। अब देखिए, लैंप की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? रात में पड़ती है, और रात को इंग्लिश में कहते हैं नाइट। तो कब पड़ती है? नाइट में। तो बस आपको याद रखना है कि भाई लैंप की हमें ज़रूरत कब पड़ी थी? नाइट में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, देखिए नाइटिंगेल में वर्ड आ रहा है नाइट, ठीक है, नाइट आ रहा ना, तो नाइटिंगेल। तो लेडी विद द लैंप, लैंप की जरूरत नाइट में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन से आप देख के आसानी से इसको याद ठीक कर देंगे, कोई भी इसमें परेशानी आपको नहीं होने वाली। नंबर दो है, चिल्का झील स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा में। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, चिल्का, चिल्का वर्ड आ रहा है, चिल्का चील, चील की तरह आ रहा है इसमें वर्ड, तो चील। अब चील क्या करती है? उड़ती है, ठीक है, चील क्या करती है? उड़ती है, तो उड़ने से याद रखेगा उड़ीसा, ठीक है, चील क्या? उड़ी, तो उड़ी से उड़ीसा। नंबर तीन है, जापान, यानी जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है टोक्यो। अब देखिए, आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जापान वर्ड है इसमें, जापान, ठीक है। तो अगर कोई पान खा रहा है तो आपके बोलेगा, अगर वो आपसे बात कर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो आपके बोलोगे जापान थूकिया, यानी पहले जापान थूकिया। तो जापान थूकिया से जापान टोक्यो, तो जापान की राजधानी हो गई टोक्यो। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको याद होने वाले हैं। नंबर चार है, मोतियों का द्वीप किसका उपनाम है? तो ये किसका है? बहरीन का। अब देखिए, आप इसको भी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मोतियों का द्वीप, अब देखिए, ऐसा द्वीप जहाँ पर सिर्फ मोती मोती हो, तो वो देखने में कैसा लगेगा? बहुत ही बेहतरीन लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी मोतियों का द्वीप देखने में कैसा लगेगा? बेहतरीन। तो बेहतरीन से याद रखेंगे बहरीन। तो मोतियों का द्वीप किसका उपनाम है? बहरीन का। फाइव है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं, यानी दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो यह है राजस्थान में। अब देखिए, दिलवाड़ा बर्ड आ रहा है यहाँ पर, दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा में साउंड कैसे निकल लिया? दिलवाड़ा। अब जिसका दिलवाड़ा होगा तो वो सबके दिलों पर क्या करेगा? राज करेगा, यानी दिलवाड़ा जिसका होगा तो बड़े दिलवाला क्या करता है? सबके दिलों पर राज करता है, तो राज करता है तो राजस्थान, यानी दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं राजस्थान में। सिक्स है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये है पाणिनि की, ठीक है। अब आप देखिए इसको ट्रिक से कैसे रखें? अष्टाध्यायी, इसमें वर्ड आ रहा है अष्टाध्यायी, तो अष्ट यानी आठ, अध्याय यानी अध्याय वाली, तो अष्टाध्याय, आठ अध्याय वाली क्या होती है फ्रेंड्स? पुस्तक होती है, किताब होती है, और किताब या पुस्तक को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? पढ़ते हैं, यानी किताबें हमें क्या है? पढ़नी पड़ती हैं, पढ़नी, तो पढ़नी से वर्ड आगा पाणिनि। तो अष्टाध्याय किसकी रचना है? पाणिनि की। सेवन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन, देखिए ओजोन सी, अब ओजोन का हमें पता है कि करती है? पृथ्वी की जो है परावैग्नि किरणों से रक्षा करती है, यानी ओजोन परत पृथ्वी को परावैग्नि किरणों से बचाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो परावैग्नि किरणें पृथ्वी पर आएंगे और उससे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे क्या? सोले बरस रहे हैं, सोले, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सोले, तो सोले से याद मिलेगा आपको सोला। अब देखिए, अगर सोले बरसेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो सितम ही हो जाएगा, तो सितम से सितंबर। तो ओजोन परत अगर नहीं होगी तो सोले बरसेंगे, और सोले बरसेंगे तो ये सितम हो जाएगा, तो 16 सितंबर। नेक्स्ट है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। अब देखिए ट्रिक से आप कैसे, देखिए वंदे मातरम, अब सभी भारतीय हैं और सभी भारतीय हैं, तो वंदे मातरम अगर हम पढ़ते हैं तो क्या आता है हमें? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। नाइन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं, तो यह है लेविस बाटरमैन। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको याद रख सकते हैं, पेन मैन, पेन मैन से रिलेट कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए फाउंटेन, अब फाउंटेन का रिलेशन ही किससे है? जैसे फाउंटेन वाला फवारा होता है तो किससे? पानी से है, ठीक है, फाउंटेन का जो रिलेशन है वो किससे है? पानी से। तो फाउंटेन पेन और ये बाटरमैन, बाटर क्या होता है? पानी, तो बाटरमैन, लेविस बाटरमैन। टेन है, अंग्रेजों ने भारत में सर टॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा? तो किसके भेजा था? जहांगीर के,
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्ड किसको भेजा था? सर टोमस रो। किसको? टोमस रो। तो आप इसी बर्ड से पकड़ेंगे टोमस रो। अब देखिए रो, टोमस रो, टोमस क्यों रो रहा है? क्योंकि वो क्या गया? गिर गया। क्या गया? गिर गया। टोमस रो, तो टोमस रो रहा है क्यों? क्योंकि वो गिर गया, तो गिर से जहांगीर। तो अंग्रेजों ने भारत में सर टोमस रो को किसके शासनकाल में भेजा? जहांगीर के। 11 है विटामिन डी के खोज करता है, तो इसके खोज करते हैं हॉपकिंस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी ट्रिक, विटामिन डी हम सभी जानते हैं हमें किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी सूरज में किरणों में जाने से क्या मिला? मिलता है हमें विटामिन डी मिलता है। और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा धूप में नहीं रहना कि विटामिन डी मिलेगा ज़्यादा धूप में, सिर्फ 10 बजे तक ही आप जैसे रह सकते हैं। जब ज़्यादा तेज़ धूप हो तो उससे नहीं रहेगी, उससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन डी हमें पता है धूप से मिलता है। अब धूप कहाँ से आती है? जब हम धूप में जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा तेज़ गर्मी लगती है तो हम हाँप जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँप जाते हैं। विटामिन डी सूरज से मिलता है यानी धूप से, और धूप में अगर हम ज़्यादा देर रहते हैं तो हाँप जाते हैं। तो विटामिन डी के खोजकर्ता हो गए हॉपकिंस। 12 है मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स एपीकल्चर। अब देखिए मधुमक्खी, हम सभी जानते हैं मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाती है, ठीक फ्रेंड्स। मधुमक्खी शहद बनाती है, और शहद जब ये उड़ती हैं अपना मतलब छत्ता छोड़कर, तो क्या करती है? शहद को पी लेती हैं, शहद को पी लेती हैं। तो मधुमक्खी पी लेती हैं, तो पी से एपीकल्चर, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। 13 है खाना पकाने के लिए किन दो गैसों का मिश्रण है, यानी खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि खाना पकाने की, अब अगर आप गैस से खाना बनाते हैं तो उसको ऑन करने के लिए क्या होता है? बटन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? गैस को ऑन करने के लिए बटन। और बटन अगर आप ऑन करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से ऑन करना आना चाहिए, कि ऊपर से गैस का करना है पहले, फिर नीचे से करना है, चूल्हे का करना है, तो आपको एक प्रॉपर तरीका उसमें फॉलो करना होता है। तो बटन चाहिए और एक प्रॉपर तरीका, तो बटन से ब्यूटेन और प्रॉपर से प्रोपेन। तो खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। 14 है आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया? तो ये देता है फ्रेंड्स आर्किमिडीज ने, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो यहाँ पे बर्ड है आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज ने ही दिया था। नेक्स्ट है 15, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के जब अस्थाई अध्यक्ष थे, उन्हें पता था हम हटने वाले हैं, यानी वो हट गए थे, अस्थाई थे, तो वो उस पद का आनंद नहीं ले सके, सच्चा वाला आनंद नहीं ले सके, तो सच्चा आनंद नहीं, तो सच्चिदानंद सिन्हा। 16 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, अगर जो स्थायी अध्यक्ष होंगे, स्थायी यानी वो परमानेंटली है, तो वो क्या करेंगे? उस पद पर राज करेंगे। पद पर क्या करेंगे? राज करेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद। 17 है मेघदूत किसकी रचना है, ठीक फ्रेंड्स, मेघदूत किसकी रचना है? तो ये है महाकवि कालिदास की। अब देखिए आप इसको ट्रिक से कैसे याद करने वाले हैं, मेघ यहाँ पे बर्ड आ रहा ना, मेघ, मेघ क्या होते हैं फ्रेंड्स? बादल, ठीक है, बादल होते हैं मेघ, मेघ होते हैं बादल, और बादल जब आते हैं तो कैसे आते हैं? काले काले, काले काले आते हैं ना, तो मेघदूत किसकी रचना हो गई? कालिदास की। 18 है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके आया था ये? हर्षवर्धन की। अब देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीन का यात्री था, और कौन था? ह्वेनसांग। जब ये भारत आया तो सबको क्या होगा? हर्ष हुआ होगा, ठीक है, हर्षोल्लास हुआ होगा, हर्ष, तो हर्षवर्धन। 19 है विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, ठीक फ्रेंड्स, यानी विजयनगर जो साम्राज्य था, इसकी जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी। अब देखिए विजयनगर यानी विजय करने वाला नगर, अब यहाँ पे बर्ड आ रहा ना विजय, तो अगर किसी की विजय होती है तो उसे क्या होता है? बहुत हैप्पी होती है, यानी खुश होता है, और खुश होता है मतलब हैप्पी होता है। तो विजयनगर यानी विजय करने वाला नगर, और जिसकी विजय होती है वो हैप्पी होता है, तो हैप्पी से मिलेगा आपको हम्पी, तो हम्पी, तो विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। 20 प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस है, तो ये होती है ऑक्सीजन, यानी प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। अब देखिए फ्रेंड्स आप ट्रिक से इसको कैसे याद रखने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ा रहा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, तो संश्लेषण को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पर संस, संस यानी सांस, सांस की कुछ साउंड निकली है, संस संश्लेषण, सांस लेषण, तो सांस की यहाँ से साउंड निकली, और फ्रेंड्स सांस लेते हैं हम, तो हमें पता है सांस लेने के लिए हमें क्या जरूरी है, तो सभी जानते हैं ऑक्सीजन हमें जरूरी है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए 20 क्विज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी एक अच्छी सी ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको रटने नहीं पड़ेंगे, अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो इन सबको आप खुद ही सोल्व कर जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका दिन
शुभ हो।